हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज का लेक्चर जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम होने वाला है, बिकॉज आज जो है वो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन। तो वहां पे जो है वो हिंदी इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सीरीज को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं और पैरेलल को हम समांतर क्रम बोलते हैं। तो हमें बस वही है कि सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है ना, यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला लगाना है और पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है, बस यही तो करना है। तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा, हालांकि जरूरत तो नहीं होगी हिंदी की, क्योंकि सीरीज में आप जानते ही हो श्रेणी क्रम होता है और पैरेलल जानते हो समांतर क्रम होता है। तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में भी थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि जब आप हायर क्लासों में जाओगे तो आपको वहां हिंदी की नहीं आपको इंग्लिश की जरूरत होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये लेक्चर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम होने वाला है, ठीक। और आज के लेक्चर में हम सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन करेंगे, और हम ऐसे क्वेश्चन हम जो है वो कैपेसिटर में भी कर चुके हैं, ठीक है ना, कि हमने जो है वो सीरीज और पैरेलल के वहां पे भी क्वेश्चन किए थे कैपेसिटेंस के। तो लगभग क्वेश्चन उसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सीरीज का फॉर्मूला वहां पैरेलल से मैच करता था और यहाँ का पैरेलल का फॉर्मूला वहां के सीरीज से मैच करता था। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूले एक दूसरे में मिक्स मत कर देना, ठीक है ना, कि सीरीज का भी इसी में ये लगा रहे हैं और पैरेलल का भी ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू, मतलब R इक्विवेलेंट जो इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर N कैपेसिटर हो तो RN होता है। और पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से, ठीक है। तो आज जो हम काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से समझना, आज का लेक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ फॉलोइंग सर्किट, यानी कि दिए गए परिपथों में आपको बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला सर्किट है, क्लियर, यहाँ ये ए पॉइंट है और यहाँ ये बी पॉइंट है। आगे बात समझ में, आपको इस ए और बी के मध्य जो है क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करो, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उन सबको आप क्या करो, मार्किंग कर दो। तो ये वाला रेजिस्टेंस मेरे पास में R1 हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस मेरे पास में R2, ये R3, ये R4 और ये वाला मेरे पास में R5, क्लियर है तक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्टिंग कहां से करनी है, आ रही बात समझ में। देखो, आपको ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो इसका मतलब आपको इनको इनके साथ में नहीं ले सकते, आ रही बात समझ में। एक चीज ध्यान दो कि सबसे पहले आपको जो सर्किट इजी लगता है सॉल्व होना उसी को करते हैं, क्योंकि हम मिक्स नहीं कर सकते किसी के भी साथ में, यहाँ कि हम इसको इसके साथ में ले सकते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस का वायर भी तो आ रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों को साथ में नहीं ले सकते, ठीक है ना, इन दोनों को ले सकते, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बारे में सोचते हैं, और सीरीज और पैरेलल की पहचान मैंने आपको बताई, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस एक के बाद एक आगे से आगे जो है वो कनेक्टेड रहता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस आपके उस मतलब सर्किट में लगे हैं उन सभी रेजिस्टेंस का अगर एक एंड या एक कोना जो है वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड हो और उन सभी का दूसरा एंड जो है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो उसका मतलब वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो इन तीनों को देखो आप, इस जो ये मतलब ये मेरे पास आठ रेजिस्टेंस है, इसका ये वाला वायर यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ठीक है, और इस तरीके से इस रेजिस्टेंस का ये वाला वायर देखो यहाँ है, ठीक, और इस रेजिस्टेंस का ये वाला वायर यहाँ कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस का ये वाला वायर यहाँ कनेक्टेड है, आ रही बात समझ में, और इस रेजिस्टेंस का ये यहाँ कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस का ये वाला कोना यहाँ कनेक्टेड है और इसका यहाँ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, आ रही बात समझ में। आपको ये रेजिस्टेंस जो तकलीफ दे रहा है ये एक्चुअल में इनके पैरेलल में ही लगा है। तो यहां से R3, R4, R3, R4 एंड R5 ये सारे किसमें है, ये पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम में, किसमें है, समांतर क्रम में। तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन R P, पैरेलल को हम P से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो एलसीएम ले लेंगे इसका कितना आएगा, 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कट गया, इसका मतलब मेरे पास में आरपी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 1 ओम। अगले बात समझ में, अब सर्किट देखो क्या हो चुका है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये कितना आ गया, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये कितना है, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस।
तो इसका मतलब ये मेरे पास में R1 था, ये मेरे पास में R2 था और ये मेरे पास में RP, जो भी निकल के आया। तो इसका मतलब ये तीनों आप देख लो किसके अंदर है, ये सीरीज में है। अरे बात ऐसा मत बोलना कि ये पैरेलल में, ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थोड़ी है। ये देखो वायर मोड़ने से ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल में हो जाएगा। अरे बस अगर मैं इस वायर को उठा के ऐसा कर दूं तो क्या आपको ये सीरीज में दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। तो इसका मतलब ये अब किस में है? सीरीज में है। मैं बोल सकता हूं कि मैं R1, R2 and RP ये किस में है? सीरीज में है। तो इसका मतलब हमारे पास में जो इक्विवेलेंट बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है, ठीक है, आर ए बी बोलो, आर इक्विवेलेंट बोलो, सब एक ही चीज है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1+1+1 यानी कितना 3 ओम, ये इसका आंसर है। आगे बात समझ में, सिंपल है, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं आर वन बोल देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को मैं आर टू बोल देता हूँ, ये आर थ्री, ये आर फोर हो जाएगा, ये आर फाइव हो जाएगा, ये आर सिक्स और ये आर सेवन। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं? ये देख लो आप, है ना, ये इसका एंड इस रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्टेड है, बस थोड़ा मोड के लिखा है। तो इसका मतलब फिर भी देगी किसमें है? सीरीज में है। तो इसका मतलब R2 and R3 ये किसमें हो गए आपके पास में? सीरीज में। तो सीरीज में तो हम क्या करें, इनको डायरेक्टली एड कर दें। तो RS1 दे देता हूं इसको नाम में, तो ये हो जाएगा 20+20 यानी कि मेरे पास में RS1, देखो सीरीज में और बनेंगे इसलिए मैंने इसको S1 दे दिया, अगले वाले को कोई सीरीज में होगा तो उसको अपन S2 दे देंगे। तो ये हो गया मेरे पास में कितना 40 ओम। ये देखो ये दोनों भी किसमें है? सीरीज में है ना। तो इसका मतलब R6 and R7 ये किसमें है? सीरीज में। ये ध्यान रखना, सीरीज मतलब तो समझते हो ना, श्रेणी क्रम। लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, एक बार लिखूंगा बार बार नहीं। ये श्रेणी क्रम, ये सीरीज में। तो इसका मतलब ये मेरे पास में RS2 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10+10 तो यानी मेरे पास में ये RS2 ये कितना आ गया 20 ओम, यानी ये मिलके कितना हो गया 1 हो गया। तो अब देखो सर्किट क्या हो चुका है, यहां तो ये 40 ओम का लगा ही था रेजिस्टेंस, ये दोनों मिलके 40 ओम के हो गए, इन दोनों को भी 1 कर दिया और ये, तो देखो ये कितना था 20 ओम, ये कितना है 20 ओम और ये 20 ओम, ये 40 ओम और ये भी 40 ओम। क्लियर? अब देख लो ये कौन सा था, R4 था, ये कौन सा है RS2, ये मेरे पास में RS1 और ये है R5 और ये वाला कौन सा है R1। क्लियर? अब देख लो आप, क्या ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं? ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं ना, ये A और B। तो इसका मतलब यहां पे लिख सकता हूं मैं कि R1 and RS1 ये किसमें है? पैरेलल में। तो इसका मतलब अगर ये पैरेलल में है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो RP1 = 40 × 40 / 40 / 40 बताया था ना, इस तरीके से सॉल्व करता है। तो ये कितना आ गया मेरे पास में 1600 / 40 / 40 कितना हो गया 80। अरे बात समझ में, तो ये देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहां से RP1 कितना आ गया 20 ओम। ये देख लो आप, ये कितना हो गया आपके पास में 20 ओम। चेक कर लो, 40 को 40 को मतलब इससे मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 = 16, 2 0 40 और 40 = 80 कैंसिल आउट हो गया 20 times। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 20 ओम। तो अब जो हो चुका है वो डायग्राम इस तरीके से हो चुका है। ये 20 ओम, ये भी 20 ओम और ये 20 ओम और ये भी आ गया कितना 20 ओम। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब आपको ए और बी के बीच में निकालना है, तो इसका मतलब देखो ये बाकी वाले तीन किसमें है? ये सीरीज में हो गए ना। तो इसका मतलब ये कौन सा था मेरे पास में R4, ये R5, ये RS2 और ये RP1, ठीक है। तो ये देखो सब किसमें है? सीरीज में है। तो इसका मतलब R4 / RP1 / R5 ये सारे किसमें?
सीरीज में, अगर सीरीज में है तो इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आर एस थ्री इक्वल टू 20 + 20 + 20, यानी आर एस थ्री मेरे पास में कितना आ गया 60 ओम। बोलो क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है आपका, इसको एक बना दिया मैंने, और ये तो रेजिस्टेंस था ही आपके पास में, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये 20 ओम, और ये आ गया आपके पास में कितना 60 ओम। अगली बात समझ में क्लियर है यहां तक? ओके, अब ध्यान से देखो, अब आप सीधे निकाल लो आर ए बी, ये किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में, तो इसका मतलब क्या करेंगे 60 × 20 / 60 + 20, ये कितना हो गया आपके पास में 1200, और ये कितना 60 + 20 यानी कितना 80। तो आर ए बी कितना आ गया देख लो, ये इसको इससे कट कर दो, क्लियर है यहां तक? और ये मेरे पास हो जाएगा आर ए बी इज इक्वल टू, कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, फिर कितने बचेंगे 4, और फिर 0, यानी कितना आ गया 15। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसको हम तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं, तो वो कितना आया 15 ओम। अगली बात समझ में, तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो आगे और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट दो और क्वेश्चंस पे। ये हमारा क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज का। आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन हमने जो है वो कैपेसिटेंस में भी किया है, यानी धारिता में हमने जो है इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है अनंत श्रेणी का, ठीक है ना? कौन सी है ये? इनफाइनाइट सीरीज। तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन वही आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताओ, इनफाइनाइट सीरीज है ना ये, अगर इसमें से आप अगर दो रेजिस्टेंस अगर निकाल भी दो के अगर तीन भी निकाल दो, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इसके, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो तुल्य जो प्रतिरोध निकल के आएगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये क्या अनंत श्रेणी है, अनंत तक जा रही है ना। तो अगर मैं इसमें से दो रेजिस्टेंस निकाल भी दूं तो क्या फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़े। अच्छा, अब ध्यान दो कि अगर मैं इन दोनों को छुपा दूं तो क्या आपको वापस वही क्वेश्चंस नजर आ रहा है? ये देख लो आप, अगर मैं इन दोनों को भी छुपा दूं तो वापस आपको वही क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए उसमें आपको एक चीज देखनी है कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। अरे बात समझ, रिपीटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज रिपीट हो रही होती है ना, उसको बाकी वाले को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसके तुल्य प्रतिरोध की, ठीक है ना, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। सो लेट आर ए बी, वो मैंने मान लिया कितना है, एक्स ओम है। इस पूरे ही सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, एक्स ओम है। तो उसमें से अगर मैं दो को छोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ता है? फिर भी कितना रहेगा, एक्स ही तो रहेगा। तो इसका मतलब जो रिपीट हो रही है, देखो ये इसके बाद ये, फिर वापस ये, फिर वापस ये, फिर वापस ये, तो जो चीज रिपीट हो रही है ना, इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो देखो सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ए और फिर ये बी, ये आर, ये आर, और ये किसमें आ जाएगा, इसके साथ में पैरेलल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास में क्या है, एक्स ओम। बोलो क्लियर है, ये एक्स ओम का रेजिस्टेंस है मेरे पास में। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब देखो ये दोनों किसमें, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, और फिर वापस किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये पैरेलल में है, तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको, आर पी इक्वल टू आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ऐसे तो करते थे, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो हम ऐसे तो सॉल्व करते हैं, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करते हैं, क्लियर? अब देखो वापस, अब जो है ये कैसे हो चुका है, ये अब ये हो चुका है। देखो थोड़ा सा ऊपर बना रहे हो ताकि जगह रहेगी, ये ए और फिर ये बी, ये आर, ये हो गया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, क्लियर? अब देखो दोनों किसमें, सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में आर ए बी इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। बोलो क्लियर है? एलसीएम ले लो, और आर ए बी मैंने क्या लेट किया, एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका क्या, आर प्लस एक्स, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है? अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स
प्लस आर एक्स, ये एक आर एक्स से ये एक आर एक्स कैंसिल आउट, इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर लो, सो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपके पास में, ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। आ रही बात समझ में, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। और आपको पता है हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, श्री धराचार्य फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, x इक्वल टू, पहले तो ये देखो इसको कंपेयर करो इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे तुलना करो तो आपको पता चल जाएगा यहां से a इक्वल टू कितना है वन, b इक्वल टू कितना है माइनस आर, और c इक्वल टू आपके पास में कितना है माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब लगाते हैं हम यहां पे धराचार्य फॉर्मूला, तो धराचार्य फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, फिर x इक्वल टू माइनस और फिर b, b कितना है मेरे पास में माइनस का r, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी माइनस r का स्क्वायर मेरे पास में कितना जाएगा r स्क्वायर माइनस फोर ए, ए मेरे पास में कितना है वन, और c मेरे पास में कितना है माइनस आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये r स्क्वायर अपॉन टू मल्टीप्लाई a यानी कितना वन, सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट ये फोर आर स्क्वायर और ये r स्क्वायर टोटल कितने हो गए 5R² डिवाइडेड बाई 2। और अब देखो यहां से आर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना, बिकॉज स्क्वायर और रूट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो R प्लस माइनस R रूट 5 अपॉन 2। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, तो X इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 इंटू आर अपॉन 2। अब यहां से X की कितनी दो वैल्यू है, एक वैल्यू तो ये है X इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 इंटू आर अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू है मेरे पास में x इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू आर। अब इन दोनों में से कौन सी सही होगी और कौन सी गलत होगी, तो मैं बता दूं आपको, ये सही वैल्यू है और ये आपके पास में गलत है, बिकॉज क्यों, क्योंकि प्रतिरोध कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहां से आप चेक कर लो रूट 5 कितना होगा, पहले बताओ रूट 4 कितना होता है 2, तो रूट 5 कितना होगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग, तो 1 माइनस 2 पॉइंट, तो इसका मतलब वैल्यू निगेटिव आएगी, तो इसका मतलब प्रतिरोध कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब सही आंसर क्या है, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू आर। अगर मान लो यहाँ पे 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम लगे होते तो आर की जगह कितना रहता, 1 आ जाता और आंसर रहता 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। क्लियर यहां तक, तो इसी तरीके से हम जो है वो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। अरे बात समझ, ऐसे क्वेश्चन में हमने जो है वो वहां पे संधारित्र यानी कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या लगे रेजिस्टेंस लगे, क्लियर। तो आपको ये मत समझना कि ये सीरीज के अंदर लगे, तो सीधा ही आप जो है वो 6R कर दो यहाँ पे, गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये वायर आ रहा है, तो वायर कनेक्शन जब भी प्रॉब्लम आती है तो आपको वायर को पकड़ के रखना पड़ता है कि कौन सा वायर कहाँ से जा रहा है, किस पॉइंट से जा रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये ए है, तो देखो ये वायर यहीं से जा रहा है, जिसका मतलब ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी ए होगा, इस तरीके से आगे चलो ये ए पॉइंट होगा तो ये भी ए पॉइंट होगा, क्लियर यहां तक। अब देखो ये सी है, तो सी से ही तो वायर निकल रहा है, ये सी पॉइंट होगा, ये भी सी होगा और ये भी सी होगा। अब आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है डी, डी से चल रहा है वायर, ये डी पॉइंट होगा, यहाँ पे भी डी पॉइंट होगा और यहाँ पे भी ये डी पॉइंट होगा। अगली बात समझ में, तो अब देखो इसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखो, सबसे पहले इस तरफ तो आपको ए लिख देना है और यहाँ पे आपके इस कॉर्नर पे क्या है बी है, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे बी, ये बी को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ध्यान से देखो सी और डी बीच में ना, तो देखो यहाँ पे ले लेता हूं मैं ये सी को, ये सी, और सी और डी दोनों एक ही पॉइंट पे, तो इसका मतलब सी भी यही है और डी भी यही है, तो ध्यान से देखो ए और सी के बीच में क्या एक रेजिस्टेंस है, तो लगा लो यहाँ पे, ये लगा लिया। फिर देखो ए और सी के बीच में है, तो इसका मतलब ये कहा है इसके पैरेलल में, तो ये लगा लिया मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, क्लियर। अब देखो वापस ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस लगा लिया यहाँ पे, क्लियर। अब फिर देखो यहाँ डी पॉइंट आ गया, ये देखो दोनों किस में सीरीज में है ना, तो इनको एक बना दो और फिर एक रेजिस्टेंस ये लगाया यहाँ पे, तो ये आर और आर मिलकर कितना हो जाएगा 2R, ये वाला। आगे बात समझ में, और ये आर है मेरे पास में, ये आर है और ये भी आर है, क्लियर। तो देखो ये आर आर और ये आर,
किसमें पैरेलल में, तो इनको क्या करेंगे, हम तीनों को एक कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 upon rp = 1 upon r + 1 upon r + 1 upon r = हो गया कितना, 3 upon r। सो rp इक्वल टू आ गया मेरे पास में कितना, r upon 3 ओम। उल्टा करेंगे ना वापस, बिकॉज rp निकाल रहे हैं। तो देखो ये एक हो चुका है, ये b और ये a, ये कितना हो गया r/3, और ये कितना हो गया मेरे पास में r। ये देखो यहां से मैंने ये क्यों हटाया है, ये रेजिस्टेंस क्यों हट गया, आपको पता होगा जैसे मैंने कैपेसिटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कैपेसिटर की दोनों प्लेटें अगर एक ही तार से जोड़ दें तो वहां क्या हो जाता है, वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी यही होता है कि देखो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का देखो तो जो दोनों ही एंड है वो एक ही तार से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको यहां से हटा देते हैं। ये है आपके पास में शॉर्ट सर्किट, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल जो है वो वायर ही बच गया। अब चेक कर लो ये दोनों किसमें, ये दोनों सीरीज के अंदर है, वायर यहीं से तो मुड़ा, इससे क्या तकलीफ हमें, ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो इसका मतलब जो आर ए बी होगा वो होगा मेरे पास में r/3 + r। एलसीएम ले लेंगे इसका कितना आएगा, 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास में r + 3 r। सो आर ए बी या आर इक्विवेलेंट जो भी बोलो आप, आर तुल्य वो हो जाएगा मेरे पास में कितना, 4 r/3। ये इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी इक्विवेलेंट जो है वो रेजिस्टेंस है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब किसी भी रेजिस्टेंस के दो वायर, सॉरी जब भी किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड किसी एक वायर से कनेक्टेड हो, वो रेजिस्टेंस क्या होता है वहां पे हट जाता है, ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है ना, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये समझो। तो आप क्या करो, उस रेजिस्टेंस को वहां से उस सर्किट से हटा दो, उसका कोई रोल नहीं है वहां पे, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको हटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी सिर्फ थोड़ा सा बता रहा आपको, क्योंकि हम इसके बारे में हम जो है वो फोर्थ चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, तो पहले हम इसको करते हैं फिर इस पे आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब जब इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मानना पड़ता है जो आपको नहीं दे रखे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे जो है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पॉइंट कोई दूसरा मान लो, ये मैंने मान लिया यहाँ पे पी है, ठीक है। तो देखो ये पी है, तो देखो ये ए की तो वायर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पॉइंट कौन सा होगा, ये पी पॉइंट ही होगा। अगली बात समझ में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए देखो यहाँ कुछ नहीं दे रखा था, मैंने कहा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मान लिया ए और बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको अपन बनाना कैसा है, ऐसा आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, और इस तरफ क्या हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, क्लियर। अब ध्यान से देखो ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर देखो वापस ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर देखो बी और पी के बीच में रेजिस्टेंस, और फिर बी और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस, और फिर ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जो पी पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस को मैं यहां बना देता हूं और एक यहां से, फिर देखो इन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है पी और बी के बीच में, और फिर यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है ये पी और बी के बीच में, ये पॉइंट मेरे पास में पी हो गया। अगली बात समझ, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं, ये ए पॉइंट, और इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेता है, ये बी पॉइंट। फिर देखो अब ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहां से वायर लेके आओ और ये एक रेजिस्टेंस लगा दो, तो इसका मतलब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, क्लियर। अब देख लो आप, क्या ये दोनों पैरेलल में एक हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो एक हो जाएंगे, तो इसका मतलब RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 upon 2 + 2 यानी 4 upon 4, यानी कितना हो गया ये 1 ओम। तो इसका मतलब ये भी 1 ओम का और ये भी 1 ओम का, तो देखो क्या हो गया ये 1 ओम और ये भी 1 ओम, और ये पॉइंट था मेरे पास में पी पॉइंट, क्लियर, ये पी पॉइंट था, और फिर यहां से ये रेजिस्टेंस ये निकल के आ रहा है, ये बी पॉइंट, ये कितना आया 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये ए पॉइंट, ये पी पॉइंट, क्लियर। अब ये देखो किसमें,
सीरीज में, तो सीरीज में तो इन दोनों को एक कर लो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास में एक रेजिस्टेंस और ये आपके पास में एक रेजिस्टेंस और, ये बी और ये ए, ये आपका कितना हो गया वन और वन मिला के टू और फिर ये टू ओम। अब आर ए बी तो टू मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाई टू प्लस टू, तो यानी मेरे पास में कितना हो गया फोर अपॉन फोर, यानी कि आर ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया वन ओम। ये इसका तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया था, हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे क्या व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसका इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि हमें इसके क्वेश्चन करने हैं ओनली। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि अगर ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ये एक ब्रिज की तरफ वर्क करता है, ये जो आर फाइव जो रेजिस्टेंस है ये एक ब्रिज की तरफ वर्क करता है, इसको हिंदी में भी लिख लेता हूं, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, सेतु मतलब ब्रिज, अरे बात समझ में, तो ये ब्रिज की तरह जो है वो वर्क करता है। अब यहां पे होता ये है कि ये ब्रिज बैलेंस तब होता है जब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो, क्या R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो तो इसको हम बोलते हैं क्या बैलेंसिंग ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं बैलेंसिंग ब्रिज, हिंदी में बोलते हैं इसको संतुलित सेतु, हिंदी में बोलते हैं इसको संतुलित सेतु। तो जब ये ऐसा होता है तो इस सी और डी पे पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, सो वी सी इक्वल टू क्या होता है वी डी, तो जब वी सी इक्वल टू वी डी होता है ना तब हम क्या करते हैं इस आर फाइव रेजिस्टेंस को हटा देते हैं क्योंकि यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल जितना उतना उतना पोटेंशियल इस पे, तो इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ जीरो, तो इसका मतलब आप फॉर्मूला लगा लो ना वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये पोटेंशियल जीरो हो गया, तो इसका वाला रेजिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा जीरो, इसका वाला क्या करो इसको हटा दो यहां से, कोई मतलब नहीं है यहां पे इसको। तो अब हम क्या करेंगे नाउ आर फाइव हम क्या करेंगे यहां से रिमूव कर देंगे यानी हटा दे, इसको क्या करें यहां से हटा दे, तो जैसे आप इसको हटा दोगे यहां से, जैसे आप इसको हटा दोगे तो अब आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये B पॉइंट ये A पॉइंट, ये R1, ये R2, ये R3 और फिर ये R4। अब देखो आप ये दोनों किसमें हो गए सीरीज में और ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल के अंदर, तो इसका मतलब जो मैं अगर अब आर ए बी निकालूंगा तो सबसे पहले इन दोनों को एक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, आगे बात समझ में, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये B पॉइंट ये A पॉइंट, यानी ये हो गया आपके पास में R1 प्लस R2 और ये हो गया आपके पास में क्या R3 प्लस R4, अगली बात समझ में। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में हमें एक ही पता है कि हम क्या करते हैं दोनों को तो एक ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय सबको क्या कर देंगे हम एड कर देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये हमारे पास में आएगा क्या फाइनल रिजल्ट। क्लियर है, तो फटाफट इसको नोट करिए फिर हम जो है वो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्लियर, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट दो क्वेश्चन पे, ये दो क्वेश्चन करने के बाद आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ही है। अब आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रहे व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन ये ऐसे नहीं दिखेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे, आई बात समझ में, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले मैं बात करूं आपको क्या करना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट जो है वो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने यहां पे तो क्या कर लिया ए पॉइंट ले लिया और इस तरफ क्या ले लिया ये मेरे पास में मैंने बी पॉइंट ले लिया। क्लियर, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब ध्यान से देखो ये ए है यहां से वायर जा रहा है ये, तो ये भी ए होगा, यहां से सी है ये सी होगा, ये डी पॉइंट है तो यहां पर डी होगा, ये बी है तो यहां बी होगा और यहां पर भी बी पॉइंट होगा। क्लियर, तो ध्यान से देखो ए ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब सी को मैं यहां कहीं बना लूं और डी को जो है वो मैं यहां कहीं बना लेता हूं, ये डी मैंने यहां बना लिया। तो देखो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस को मैंने लगा लिया यहां पे,
फिर देखो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब चेक करो थोड़ा सा बी को यहाँ ले लेता है। अब देखो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये मैंने लगा लिया यहाँ पे। और फिर बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब फिर देखो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो इसका मतलब ये कितना, 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये 6 ओम, और ये मेरे पास में कितना, 5 ओम। अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है, और ये R5 है। अगली बात समझ में, ये R4 और ये R5। पहले तो हम चेक करेंगे कि R1 अपॉन R2 कितना है, वो है मेरे पास में 1/2, और फिर R3 अपॉन R4 वो कितना है, 3/6 इक्वल टू कितना, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो हम बोलेंगे कि ब्रिज कौन सा है, बैलेंसिंग ब्रिज है, यानी संतुलित सेतु है। तो जब बैलेंसिंग ब्रिज होता है तो हम क्या करते हैं, इस 5 ओम को रेजिस्टेंस को यहां पे हटा देते हैं। तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ अब ये बच जाएगा, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, 1 ओम, और फिर ये 2 ओम, फिर ये 3 ओम, और फिर ये 6 ओम। ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में, तो इनको एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी और ये ए कितना हो गया, 1 और 2 3, 6 और 3 9। ये किसमें, पैरेलल में, तो पैरेलल को सॉल्व कर लो, आर ए बी इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9/3 + 9 कितना आ गया, ये 27/12। कट जाएंगे, ये काट दो, किससे, 3 की टेबल से काट दो, 9/4। तो इसका मतलब जो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया मेरे पास में, आर ए बी इज इक्वल टू 9/4 ओम। ये है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर है, लिख लेता हूं 9/4, ये आ जाता है। ये 3D फिगर है थोड़ा, अरे बात समझ रहे, देखो इसको कैसा करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दू, अरे बात समझ, देखो इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या आपको ये बीटी स्टोन ब्रिज नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। तो देखो कैसे ये पॉइंट जब इस तरफ जाएगा, तो पहले देखो ये बीच वाले को तो मैं बना लेता हूं ऐसे, ये उस तरफ जाएगा तो यहां पे ये पॉइंट आएगा, और एक रेजिस्टेंस ये, और एक रेजिस्टेंस जो है वो ये पॉइंट ए, इसको उठा के इस तरफ रख दो, तो देखो ये बचा, और एक कौन सा रेजिस्टेंस, अच्छा यहां पे लगा नहीं है क्या, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, सॉरी यहां पे रेजिस्टेंस नहीं लगा था, यहां पे रेजिस्टेंस लगा लेते, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं इस तरफ रखता हूं, तो अब देखो आपके पास में एक ही रेजिस्टेंस और एक ही रेजिस्टेंस बच गया, ये दोनों उस तरफ चले गए, यानी कि यहां पॉइंट आ गया ये मेरे पास में बी पॉइंट, ये बी, यहां एक रेजिस्टेंस लगा और फिर यहां ये एक रेजिस्टेंस लगा, तो देखो ये आर, आर ये आर, और फिर आर, और ये आर। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, देख लो ये है ना, ये ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है। अब भाई आर अपॉन आर, और ये भी आर अपॉन आर, उसका मतलब क्या हुआ, रेशियो क्या आया, 1/1 आ गया ना, आ रही बात समझ में। अगर मैं बात करूं R1/R2 की, तो वो क्या है, R/R, यानी कितना, 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं R3/R4 की, तो वो मेरे पास में कितना है, R/R, यानी कितना, 1। तो इसका मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो इसका मतलब ब्रिज कौन सा है, बैलेंसिंग ब्रिज है, बैलेंसिंग ब्रिज। तो जब अगर ये बैलेंसिंग ब्रिज है, तो बैलेंसिंग ब्रिज है, तो इसका मतलब हम क्या करें, इसको ऐसे हटा दें, तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से डायग्राम बन चुका है। ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये R और ये R, R और फिर R, ये R और R 2R, ये R और R, ये भी 2R, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया है। ये A, ये 2R और ये भी 2R, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब देखो दोनों किसमें, पैरेलल में,
तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा लो, आर ए बी इक्वल टू टू आर मल्टीप्लाई टू आर डिवाइडेड बाई टू आर प्लस टू आर, तो कितना हो गया ये 4R स्क्वायर अपॉन 4R, और ये R से ये एक R कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो मेरे पास में आर ए बी इक्वल टू निकल के आगे कितना R, दिस इज फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।